गुड इवनिंग, रात के 8 बज चुके हैं और मैं पूरी रात स्वागत करता हूं आपका मीडिया 24/7 में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। एक्ट्रेस अनुपमा पाठक ने की खुदकुशी। मौत से एक दिन पहले आई थी फेसबुक पर लाइव, जहां उन्होंने बताया कि वो कैसे ठगा हुआ महसूस करती हैं और किसी पे भरोसा नहीं कर पाती। पिछले 24 घंटे में आए रिकॉर्ड 62,537 कोरोना वायरस के नए मामले, संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 20 लाख के पार। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ईडी ने करी रिया से मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पूछताछ, सीबीआई ने भी शुरू कर दिया जांच। पीएम मोदी आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सम्मेलन में हुए शामिल, कहा पुरानी शिक्षा नीति व्हाट टू थिंक पर फोकस थी, अब नई शिक्षा नीति हाउ टू थिंक पर जोर देगी। देश में आज से हुई किसान रेल की शुरुआत, आज सुबह 11 बजे चली पहली ट्रेन। चीन में एक और वायरस का संक्रमण, जुओ जैसे दिखने वाले जीव से फैला नया वायरस, 7 लोगों की हुई मौत, 60 लोग अब तक संक्रमित। अयोध्या में मस्जिद के लिए आवंटित जमीन पर मस्जिद के साथ साथ इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी और हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में आज मनोज सिन्हा ने ली उपराज्यपाल की शपथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई आज। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, फाइनल ईयर के छात्रों के लिए ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम को दी अनुमति। भारी बारिश के बाद सीएम केजरीवाल के घर पर गिरी छत, सौभाग्य से कोई भी घटना के समय मौजूद नहीं था। किशन मोर्चा कांग्रेस के अध्यक्ष राम कुमार वाल्या आज 2 बजे हुए भाजपा में शामिल। रिलायंस इंडस्ट्री बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड, मार्केट कैप 14 लाख करोड़ के पार। तो ये तो हो गई आज की खास खबरें, अब हमारी अगली मुलाकात होगी सोमवार को रात 8 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।